हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सिंह रूस, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से। आज हम फिजिक्स इको का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर में जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है रिलेटिव मोशन एंड 2D मोशन। 2D मोशन में हमने केवल प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट। इसी के बिहाफ पे हम जो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं एक्स एक्स और ये क्या है वाई एक्स। देखो ए जो है वो हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं, ये ए शिप है और ये किधर चल रहा है 10 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन मीन्स इधर की तरफ कितना 10 है। तो वी ए वैक्टर को हम क्या बोलेंगे 10 मैग्नीट्यूड हो गया और माइनस आई के क्या हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। और ए से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये क्या है यहाँ पे सपोज दैट बी शिप है। कितना डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। अब देखो बी का जो मोशन है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये इधर की तरफ हम ले लेंगे VB वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 JKF, ठीक है। अब देखो हम यहां पे देख रहे हैं A शिप जो है वो भी मोशन में है और B शिप जो है वो भी मोशन में है, दोनों मोशन स्टेट में है। तो हम ऑब्जर्वर को कहां पे शिप A पे कंसिडर कर लेते हैं। तो A शिप पे जो ऑब्जर्वर है उसको B किधर मोशन करेगा, कैसे अपीयर होगा उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। सिर्फ ए पे जो ऑब्जर्वर है उसको बी का मोशन कैसा अपीयर होगा वी बी ए। तो वी बी ए क्या होगा देखो वी बी कितना है 10 जे कैप माइनस माइनस 10 आई कैप। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। तो ये वीबीए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी देखो 10 आई कैप, ये लो 10 आई कैप और 10 जे कैप, ये लो 10 जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा इधर 45 रहेगा ना एंगल। तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सिर्फ ए पे जो ऑब्जर्वर है उसका उसको जो बी का मोशन का जो डायरेक्शन अपीयर होगा वो क्या रहेगा वी बी ए के अलोंग रहेगा। मतलब बी ए को हम यहां पे रेस्ट में सपोज करते हैं ना तो इसके रेस्पेक्ट में बी किधर जाएगा कुछ इस पाथ पे जाएगा। तो इस पाथ पे बी ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कब रहेगा हम यहां से क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो गई इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी मिनिमम। और यहां पे डी मिनिमम जब होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बी को यहां से सी पॉइंट तक मूव करवाना होगा। और सी पॉइंट तक मूव करेगा किस वेलोसिटी से मूव करेगा वीबीए से। तो वीबीए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वो देखते हैं अपन पहले। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देखो 10² + 10² तो 10√2 हो जाएगा, 10√2 आ गए। तो ये डिस्टेंस आपको देखनी है, ये डिस्टेंस देखने के लिए ये कितना एंगल है 45 है, ठीक है। तो देखो cos 45 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस, बेस क्या हो जाएगा BC, BC by 100, ये 100 इधर आ जाएगा, BC कितना हो गया 100 into cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है कि नहीं है। तो BC जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये किससे ट्रेवल करेगा रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहां से हम टाइम देखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा bc, bc डिस्प्लेसमेंट हो गया और vb a करेंगे। तो ये 100/√2 डिवाइड बाई ये 10√2, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा √2 √2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 आवर आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं. सेकंड देखते हैं, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग. सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर. देखो मेट्रो स्टेशन है ये, इस पे ये कुछ एस्केलेटर कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है. ये अभी आज फर्स्ट डे जो है वो वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में नहीं है. तो प्रीति जो है वो इसके ऊपर वॉक करके चल रहा है. किस स्पीड से चल रहा है? वीपी स्पीड से चल रहा है. तो ये डिस्टेंस कितनी है? सपोज दैट एस डिस्टेंस है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? टी वन. तो टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी वन इज इक्वल टू एस बाई वीपी हो जाएगा. तो यहां से वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बाई टी वन. ये वीपी क्या है? प्रीति की स्पीड है. नेक्स्ट डे क्या कर रहा है? अदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर. सेकेंड डे क्या है? ये एस्केलेटर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. ये एस्केलेटर ऊपर की तरफ वी एस्केलेटर वी से मोशन कर रहा है. और ये प्रीति जो है, प्रीति का एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? जीरो. तो इस कंडीशन में ये एस डिस्टेंस, डिस्टेंस तो क्या है? सेम ही है. तो यहां पे टाइम कितना लग रहा है? टी टू टाइम लग रहा है. तो यहां पे टी टू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? एस अपॉन में वी एस्केलेटर. तो वी एस्केलेटर कितना हो जाएगा? एस बाई टी टू नहीं हो जाएगा? यस. चलो इसके बाद में नेक्स्ट डे क्या कर रहा है? द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर. क्या कह रहा है? ये एस्केलेटर मोशन में भी है. ये एस्केलेटर किससे चल रहा है? वी एस्केलेटर से. और इसके ऊपर वो खुद मूव कर रहा है एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में, किससे? प्रीति वीपी से. तो इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करेंगे आप पे, और ये एस से डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? टी. तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी. और प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वीपी प्लस वी एस्केलेटर हो जाएगा. तो ये एस बाई टी वन प्लस एस बाई टी टू. एस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये वन बाई टी वन प्लस टी टू बाई टी वन टी टू. ये टी वन टी टू एलसीएम लेंगे, टी वन टी टू ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू अपना आंसर, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर. द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड. इज फ्लोइंग ड्यू वेस्ट. इफ सी इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ. देखो ये क्या है? रिवर है. ये साउथ बैंक है यहां पे, और ये शॉर्टेस्ट पाथ पे मूव करना चाह रहा है, क्रॉस करना चाह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ में मतलब इसको जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे क्रॉस करना है. और ये रिवर फ्लो इधर की तरफ है, इधर की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है. कितना? यू इज इक्वल टू 10 है. तो शॉर्टेस्ट पाथ पे इसको क्रॉस करना है, इसका मतलब इसको कुछ एक एंगल अल्फा एंगल पे इधर आप स्विमिंग करना होगा. तो वी जो है वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है ना, 20. यस. तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करेगा तो इसका मतलब इधर की तरफ वी कॉस अल्फा रहेगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, और ये इधर की तरफ वी साइन अल्फा रहेगा. ये वी साइन अल्फा यू के इक्वल रहेगा तभी तो इसको कैंसिल करेगा और रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा, ठीक है. तो यहां पे वी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू. तो ये 20 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10. देखो ये साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. इसका मतलब
ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे तो वेस्ट इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, इधर क्या है ईस्ट, तो वेस्ट की तरफ कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। तो ये क्या है, एट विच एंगल एट विच शुड मेक हिज स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई 30 डिग्री वेस्ट। थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2 IKF एंड 3 JKF। देखो एक्स एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 और वाई एक्स के अलोंग कितनी है 3, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे देखो एक्स एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी रहेगी वो तो सेम रहेगा, तो इधर की तरफ तो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम एयर फ्रिक्शन को, ड्रैग फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, इसका मतलब जो स्पीड वर्टिकली आपने दिया वही स्पीड इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगी, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा 3, वर्टिकली आपने 3 से थ्रो किया तो 3 से ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, तो v फाइनल क्या हो जाएगा 2 IKF, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 JKF। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए वेलोसिटी 5 एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट विथ ए वेलोसिटी 3 meters per second एट सेम एंगल follows a trajectory which is identically with the trajectory of a projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on planet is, देखो सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दोनों की हाइट सेम रहेगी और हॉरिजॉन्टल रेंज भी सेम रहेगी, तो हम क्या बोल देंगे H1 = H2 बोल दें। H1 क्या होगा U1 square साइन स्क्वायर थीटा 1, थीटा 1 दोनों के लिए सेम है तो थीटा रखेंगे 2 × g अर्थ इज इक्वल टू U2 square × sin² θ, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के लिए क्या है सेम है, इंटू 2 g planet हो जाएगा, ठीक है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो U1 कितना है 5 का स्क्वायर और बाई जी ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 square by g planet। दिस एम्प्लाइज g planet इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर 9 × g by क्या कर देंगे 25, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो इसकी g planet की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई आर t = 0 पे कोऑर्डिनेट ये है और 2 पे ये कोऑर्डिनेट और ये कितना है 4 पे ये कोऑर्डिनेट है, एवरेज वेलोसिटी फॉर t = 0 to 5। तो देखो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन है कितना 2 and 3 और 5 पे कितना है ये वेलोसिटी पोजीशन है, यहां पे कितना है 13 and 14, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 - x1, 13 - 2 क्या हो जाएगा 11 IKF और 14 - 3 कितना हो जाएगा +11 JKF, ठीक है। और टाइम कितना t = कितना हो जाएगा 0 से 5 मतलब 5 सेकेंड। तो v एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है नेट डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर बाई टोटल टाइम डेल t। तो देखो ये क्या हो जाएगा 11 IKF + 11
जेके भाई क्या कर देंगे, 5, 11 कॉमन रखो तो 11 by 5 आई के प्लस जेके इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर एक्सपी क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स क्यू पोजीशन ऑफ क्यू क्या है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी। देखो वी पी वेलोसिटी ऑफ पी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो डी एक्स पी बाई डी टी। ए प्लस टू बी टी हो गया, और वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, एफ टी का हो गया 1 माइनस 2 टी हो जाएगा। दोनों सेम बोल रहा है तो दोनों सेम कर देते हैं अपन, तो ए प्लस सी 2 बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 2 टी। देखो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, t कॉमन रखो तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 2 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा f माइनस a हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस a डिवाइड बाई 2, ये इसके नीचे आ जाएगा तो b प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 7th का अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। देखो 8 क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी सो दैट इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द हाइट अटेंड इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन इट्स रेंज इज। देखो R और H के बीच में रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है 4h cot थीटा होता है, यही होता है। तो यहां से रेंज जो है वो ट्वाइस ऑफ हाइट है, इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 2h इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू क्या हो गया cot थीटा हो गया। तो ये 2 से 2 इधर 2h से h कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया cot थीटा हो गया। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा रूट 5 नहीं हो जाएगा क्या, h की वैल्यू कितनी हो गई रूट 5। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इज 2/√5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस इज 1/√5। क्लियर, तो अब देखो अपने को क्या चाहिए, R चाहिए ना, तो R इज इक्वल टू क्या होता है 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा जी। तो ये 2 u² इंटू साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 इंटू क्या हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 2 to 4 4u² by 5g, 4u² by 5g, 4u² by 5g के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अपना 8th का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल इज fired with velocity u making an angle theta with horizontal, what is the change in velocity when it is at highest point? देखो ये projectile है, इसको आपने theta angle पे u speed से project किया, तो horizontal u cos theta हो जाएगा और vertical क्या हो जाएगा u sin theta। ये path
इसका प्रोजेक्टाइल का ग्रेटेस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जो होता है वो तो होता है जीरो, और हॉरिजॉन्टल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा यू कॉस थीटा। तो यहां पे ये जीरो हो गया तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, यू कॉस थीटा ही हो गई। ठीक है, तो ये पीक पॉइंट जो है, हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी है वी पी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप, और वी इनिशियल वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल वीपी वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा से यू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, देखो ये प्लस जे कैप रहेगा ना, प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये यू साइन थीटा और माइनस जे कैप क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा आएगा, और माइनस जे कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है केवल। ठीक है, तो यू साइन थीटा के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्टिकल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड व्हेन इट इज एट ए हाईएस्ट पॉइंट। चेंज इन स्पीड, देखो ये प्रोजेक्टाइल है तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यू कॉस थीटा, और इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, यू, तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा, चेंज इन स्पीड, स्पीड डेल यू इज इक्वल टू फाइनल स्पीड कितनी है, यू कॉस थीटा, और माइनस इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, यू कॉस थीटा माइनस यू। तो टेंथ का अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए गन फायर टू बुलेट्स एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द बुलेट स्ट्राइक एट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो आर क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आर सेम है लेकिन हाइट जो है वो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ऐसा क्यों बोला मैंने, दोनों बुलेट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो केवल साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब एच वन बाई एच टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये रूट थ्री बाई टू होता है, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर करेंगे और ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/1, 3/1 के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 11th में सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं अपन। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 मीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन मीटर पर सेकंड इज। देखो एक रिलेशन अपने को पता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, 4 h cot थीटा होता है। क्लियर, R की वैल्यू कितना दे रखा है, 12, 4 इंटू h की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 इंटू cot थीटा। ठीक है, 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, cot थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर, अब अपने को क्या चाहिए, देखो वेलोसिटी, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। करेक्ट, h की वैल्यू कितनी है, 4, और ये इधर की तरफ आएगा तो ये 2 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर, 4/5 का स्क्वायर करेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4
इंटू टू इंटू जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वाई क्या कर देंगे आप, फोर इंटू फोर इंटू क्या कर देंगे फाइव इंटू फाइव, ठीक है, एक फोर से एक फोर कैंसिल कर दो, ये टू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो 25 इंटू जी बाई टू हो जाएगा, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 रूट ऑफ जी बाई टू आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ए वर्टिकल, व्हाट हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। देखो वर्टिकल कंपोनेंट आपने यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने एंगल पे 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है यू से, तो यू कॉस 60 डिग्री, देखो ड्यू टू ग्रेविटी जी किधर रहेगा डाउनवर्ड्स, इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, इसका मतलब पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा डिक्रीज होगा, आफ्टर दैट ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड्स क्या होगा इंक्रीज होगा, इट्स मीन फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 13 में, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टिकल इज मूव इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए और वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके डिफरेंट डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होता पाथ क्या रहेगा सेम, या फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के तो पाथ कैसा होता है सर्कुलर होता है, लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन है इसका मतलब पाथ कैसा रहेगा पैराबोला रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अपना आंसर कौन सा रहेगा सेकंड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 15 पे, तो 14 का आंसर सेकंड दे दिया अपन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल क्या है 6i के प्लस 8 j के, तो देखो यहां से x x के अलोंग वेलोसिटी इनिशियल 6 और u y कितना है 8, इफ g इज 10 देन हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो r का फॉर्मूला क्या होता है 2 यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी होता है, ठीक है, तो 2 इंटू यू एक्स कितना है 6 इंटू 8 बाई 10, तो देखो 8 इंटू 6 48 इंटू 2 96 y 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.6, अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो 15 का आंसर कौन सा हो गया डियर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन चलते हैं, 16 में क्या बोल रहा है, टू बॉल ऑफ ए सेम मास आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, वन वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। देखो एक बॉल को हमने क्या किया है वर्टिकली थ्रो किया है, इसका मतलब प्रोजेक्शन एंगल इसके लिए क्या हो गया थीटा 90 डिग्री हो गया, और दूसरे को वर्टिकल के साथ 60 बोल रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, तो इसका इधर की तरफ u sin इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा u sin 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू क्या होता है mgh होता है, तो यहां से u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा h के, दोनों की स्पीड क्या है सेम है, लेकिन h की अगर अपन बात करें तो h इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो u1 अपॉन में u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h1 बाई h2, ठीक है, ये किसके इक्वल रहेगा u सेम है g सेम है, इसका मतलब साइन स्क्वायर पहले के लिए 90 डिग्री और अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो
u1 वन बाई यू टू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा की 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बाई फोर फोर ऊपर आ जाएगा, तो 4 बाई 1 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा 16 में थर्ड आंसर हो जाएगा, 16 में थर्ड आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन चलते हैं। देखो देखो 17 के अंदर क्या बोल रहा है, किसी प्रक्षेपी का प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेक्टर जो है वो क्या है i के प्लस 2 j के। तो यहां से हम देखेंगे x x के अलोंग जो वेलोसिटी है u x वो कितना है 1 और u y इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं u cos थीटा और इसको हम क्या बोलते हैं u sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हम एक नंबर इक्वेशन दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं हम दो नंबर इक्वेशन, तो 2 बाई 1 करेंगे अपन, 2 बाई 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा u से u कैंसिल, sin बाई cos tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो x tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 10 बाई 2, यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कौन से आ रहा है 2x फर्स्ट, तो 17 का अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बॉल थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे थ्रो किया, इट फॉल ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, जब थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है 60 डिग्री, उस कंडीशन में आर की वैल्यू कितना आ रहा है 90 मीटर। If the ball is thrown with the same initial speed same hai, at angle 30 degree, it will fall on ground, देखो 30 पे, next condition जो है वो theta dash जो है वो कितना है 30 है, ये इसका composite angle नहीं है क्या, देखो 30 plus 60 कितना होता है 90, इसका मतलब r क्या रहेगी 90 माइनस थीटा पे क्या होती है सेम होती है आर थीटा, इसका मतलब आर की वैल्यू 90 रहेगी, इट्स मीन सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे अपन चलते हैं। देखो A body is projected at an angle 30 degree with the horizontal and with a speed of 30 meter per second. U की value कितनी है? 30 है. और theta की value कितनी है? 30 degree. ठीक है. What is the angle with the horizontal after 1.5 second? देखो, tan alpha is equal to क्या होता है? Vyy Vx होता है, Vy को हम क्या बोलते हैं Uy माइनस Gt डिवाइड बाई Ux। ठीक है, तो tan alpha इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Uy कितना हो जाएगा U 30 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 30 साइन 30 माइनस G की वैल्यू 10 इंटू T की वैल्यू कितनी है 1.5 1 बाई 2 अपॉन में 30 cos 30 डिग्री। देखो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2, इससे कैंसिल होगा 15 और ये कितना हो जाएगा 3 बाई 2, 1.5 का मतलब टाइम कितना है 1.5 है ना, तो 3 बाई 2 तो ये 5, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल रहेगा वेलोसिटी का, इट्स मीन ये ग्रेटेस्ट जो हाइट है उस पर रहेगा,
तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस। देखो ये प्रोजेक्टाइल जो है इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। गिवन दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको प्रोजेक्टाइल की रेंज बताना है। तो देखो ये एक्स और ये क्या हो गया वाई, ठीक है ये प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ये है इस आर पे एक्स इज इक्वल टू आर पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो नहीं रहेगी क्या, तो यहां से वाई की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट आर हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो ये ट्रेजेक्ट्री है इसी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशन को, वाई की वैल्यू जीरो 12x - 5/9x2, इसको इधर ले आओ 5/9x2 इज इक्वल टू 12x, एक x से एक x कैंसिल कर दो और ये जो x है वो क्या रहेगा r रहेगा, ठीक है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 9/5 करेंगे अपन तो इसका आंसर कितना आएगा 21.6 आएगा, 21.6 इसका मतलब सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 21.6, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ए बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरकेस विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड, इफ स्टेप्स आर एच मीटर हाई एंड बी मीटर वाइड द बॉल विल हिट द एज ऑफ nth स्टेप। देखो ये स्टेयरकेस n स्टेप, देखो इसकी हाइट कितनी है h और इसकी वाइड b मीटर है, ये बॉल रोल कर रहा है यहां से, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी u, ये कैसे डायरेक्टली जाके आपको nth स्टेप पे जाके स्ट्राइक कर रहा है इसकी एज पे, ठीक है, तो इसका मतलब इसका y डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू कितना हो गया n into h और x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया n into, तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम h हाइट के लिए जो है वो क्या रहेगा g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, तो y की वैल्यू n into h पुट करेंगे और g into n स्क्वायर into b स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे ये 2u स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो ये 2u स्क्वायर h by g into b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया n, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इन हाइट ऑफ 1500 मीटर विद ए वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड पासेस डायरेक्टली ओवर एन एयरक्राफ्ट गन। देखो ये यहां पे क्या है एरोप्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल 200 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है, कितनी हाइट पे 1500 मीटर हाइट, यहां पे एक एयरक्राफ्ट गन है, तो एयरक्राफ्ट गन को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना इंक्लाइंड रखा है सपोज दैट थीटा एंगल, यहां से ये बुलेट फायर करेगा किस वेलोसिटी से u, और u की वैल्यू आपको दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये बुलेट कुछ एक टाइम बाद में यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा किसको प्लेन और क्रैश कर देगा, इसका मतलब देखो टी टाइम बाद में इस प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वही ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रहेगा किसके लिए बुलेट, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा
तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है, हम ये देखेंगे कि टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बुलेट और प्लेन का क्या है, सेम है। तो तभी होगा जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो इसकी प्लेन की 200 है और इसकी हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है ये अपने को चेक करना है। तो यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यू की कितनी है वैल्यू, 400 इज इक्वल टू 200 इनटू कॉस थीटा। तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 60 इसका मतलब अपना आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 22 में सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम लेवल ground at an angle theta above the horizontal. The elevation angle phi of the highest point as seen from the launching point is related to theta by. देखो ये relation अपने लिए standard relation है, आप को याद भी है, tan theta is equal to 1/2 tan phi होता है। तो इसके according अपना answer कौन सा, sorry ये tan theta है, ये क्या है, theta है, tan theta। तो इसके according अपना answer कौन सा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 23 में अपना कौन सा आंसर सही जा रहा है, थर्ड वाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड शूट ए स्ट्रीम ऑफ वाटर अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद इट्स वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। देखो यहां पे ये एक कोई पाइप और ये कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, ठीक है। और ये यहां से वाटर को शूट कर रहा है, किससे, u इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड से। तो इसका पाथ कुछ ऐसा रहेगा, यस, प्रोजेक्शन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू 8 मीटर डिस्टेंस पे ये कोई वर्टिकल वॉल है। इस वर्टिकल वॉल को कहां पे, इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो हाइट है वो y हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y। तो देखो इसका जो ट्रेजेक्टरी है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अपने को x इज इक्वल टू 8 पे y की जो वैल्यू होगी वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये अपने को चाहिए। तो y is equal to क्या हो जाएगा, x tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, root 3 minus g की वैल्यू 9.8 into x कितना है, 8 into 8, clear, 2 into 16 into 16, ठीक है। u की वैल्यू कितना है, 16। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 means 1/2 का स्क्वायर 4, 4 से ये 4 टाइम्स, और 16 इंटू 4 कितना होगा, 64, ये इससे 64 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4.9 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 8, तो 8 इंटू 1.73 माइनस 4.9 करेंगे अपन, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 8.9 हमारे पास मीटर में आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 8.96। तो इसके अकॉर्डिंग 24 का अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है p एट पीक पॉइंट is u cos theta, ठीक है, is root 3 by 2 times of initial speed। तो initial speed u cos theta जो है वो किसके equal है, root 3 by 2 into u के, u से u cancel हो जाएगा, theta की value कितनी हो जाएगी, 30 degree। इसका मतलब आपने projection कितने angle में किया है, 30 degree। If we range of a projectile is p times of maximum height attained by it, then p is equal to, देखो r is equal to क्या होता है, हमारे पास एक r और h में रिलेशन होता है, r is equal to 4 h cot theta होता है, correct। तो r is
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एच इंटू कॉट 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू रूट 3 इंटू एच। इसमें क्या बोला, देखो इट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पी टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, एच की पी टाइम्स है, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू रूट 3, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 35 का आंसर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे अपन चलते हैं। देखो इट ए हाइट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज projectile in vector form is v vector is equal to root 6 i k plus root 2 j k meter per second, the angle of projection is, देखो यहां से हमने projection किया, किस speed से, u speed से, कितने angle पे, theta angle पे, तो इसका path कुछ ऐसा रहेगा, ये y height पे यहां पे velocity चाहिए, तो इधर की तरफ तो ये horizontal velocity तो क्या रहेगी, u x is equal to u cos theta ही रहेगी, तो ये vx जो रहेगा वो भी u cos थीटा ही रहेगा y height पे, और y height पे जो velocity हम देखते हैं vy square is equal to uy square minus 2ay into y लेते हैं, तो इसके according v vector is equal to क्या हो जाएगा, vx i k plus vy j k, correct। तो यहां से vx की जो value है, vx की value जो है वो ये देखो, इसको कंपेयर करो आप, रूट सिक्स है ना, तो रूट सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई डियर, रूट सिक्स हो गई, यस। और वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी इंटू वाई, इसका रूट करेंगे, वी वाई की वैल्यू कितनी है, रूट टू, देखो यहाँ पे रूट टू है ना, तो रूट टू रखेंगे किसके इक्वल, रूट ऑफ यू वाई का स्क्वायर माइनस टू इंटू टेन इंटू जीरो पॉइंट फोर, पॉइंट सी जीरो गया, एट हो गया, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस एट, इधर आके प्लस, तो यू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट टेन हो जाएगा, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो अपने को क्या चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, अपन एक काम करते हैं, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट टेन बाई रूट सिक्स, ठीक है, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, फाइव, और ये रूट थ्री, ठीक है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री आ जाएगा, रूट फाइव बाई थ्री, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है, 26 में फोर्थ आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27, इफ वैल्यू ऑफ रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट इज एच मैक्सिमम इज इक्वल then theta is equal to, देखो r is equal to क्या होता है, 4h cot theta होता है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, तो 1 by 4 is equal to क्या हो गया, cot theta नहीं हो गया क्या, तो tan theta is equal to क्या हो जाएगा, tan theta is equal to हो जाएगा 4, इसको इधर ले जाओ, theta is equal to क्या आ जाएगा, tan inverse 4 आ जाएगा, correct, तो इसके according answer कौन सा, 27 का second answer correct हो जाएगा। ठीक है, next question number 28 पे चलते हैं। देखो for projectile motion shown in figure, the average velocity between point A and यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा i k, इधर की तरफ u cos थीटा रहेगा, है ना, और इधर की तरफ क्या रहेगा, u sin थीटा, तो
u cos theta i k plus u sin theta j k. और v फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो हॉरिजॉन्टल तो u cos theta ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल u sin theta अपवर्ड था तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा u sin theta. जिस वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करेंगे उसी से वापस आएगा, इसका मतलब u sin theta डाउनवर्ड्स. तो u cos theta i k प्लस नॉट प्लस माइनस, ये क्या रहेगा? माइनस u sin theta j k. ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v इनिशियल वेक्टर प्लस v फाइनल वेक्टर बाय क्या कर देंगे अपन? 2 कर देंगे. सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं अपन. तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ये 2 u cos theta i cap रहेगा. तो डियर यहां पे i cap तो क्या है? डायरेक्शन है. और बाय क्या कर देंगे? 2 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? u cos theta अपना एवरेज वेलोसिटी रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाता है. तो 28 में कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है? फर्स्ट जा रहा है. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपन. देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर रिलीज ए बॉम्ब एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. It will strike the ground it. देखो एक एरोप्लेन है, ठीक है? ये 360 किलोमीटर ये एरोप्लेन है. इसका स्पीड कितना है? U is equal to 360 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. ये 20 कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया क्या? मीटर पर सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट किया. ये कितनी हाइट पे है? h is equal to 490 पे है. ठीक है, तो यहां से इसको रिलीज किया है तो इसको भी u वेलोसिटी मिलेगी. तो ये कितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगा? r पे. तो r is equal to क्या होता है? u root of 2 h by क्या होता है? g. तो ये u 100 और root of 2 into 490 by 9.8 को आप एक काम करो, by 10 रखोगे 10 ऊपर आ जाएगा. तो 10 कर दिया तो ये 49 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो ये 10/2 हो गएगा. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 100 इनटू 10 कितना हो गया? 1000 मीटर. 1000 ऑप्शन में किलोमीटर में दे रखा है. तो थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो 29 का अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है? थर्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं. पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 36t. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dx/dt. ये क्या हो जाएगा? vx. vx इज इक्वल टू कितना है? 36. vx इज इक्वल टू कितना है? 36 है. तो vx कितना होता है? u cos थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? 36 रहेगा. ठीक है, अब देखो 2y is equal to 96t minus 9.8 into t square ये दे रखा है. तो यहां से हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dy/dt is equal to क्या हो जाएगा? 96 minus 19.6 into t हो जाएगा. ठीक है, तो ये 2 इधर हो जाएगा. तो dy/dt को क्या रखेंगे? vy. vy क्या हो जाएगा? 48 minus 9.8 into t हो जाएगा. ठीक है कि नहीं है? तो यहां से ये देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है अलोंग वर्टिकल. तो u sin थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा. क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड. हम सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? 10 थीटा. और ये कितना हो जाएगा? 48/36. तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 3. थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 53 हो गई. तो 53 आई थिंक नहीं दे रखा है इसमें. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? साइन थीटा क्या होता है? 4/5.
53 के लिए, तो 4 बाई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 4 बाई 5 हो जाएगी। 4 बाई 5 कौन सा आंसर दे रखा है, 4 बाई 5 फर्स्ट। थर्ड में आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलता है अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, गैलीलियो राइट दैट that for angle of projection for a projectile at an angle 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal range described by projectile are in ratio of, देखो ये theta 1 है और दूसरा क्या है theta 2, अगर इन दोनों का sum 90 degree आता है, इसका मतलब एक दूसरे के composite angle है, इन दोनों के लिए r जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन दोनों को add करो, देखो 45 plus theta प्लस 45 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कितना हो गया 90 आ रहा है ना, दोनों का एंगल का सम जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या आ रहा है 90, दोनों कंपोजिट एंगल है, कंपोजिट एंगल है, इसका मतलब आर सेम रहेगा, आर सेम रहेगा मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 31 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32, इफ आर एंड एच आर रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज, देखो आर और एच के बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 4h cot थीटा होता है, करेक्ट। तो यहां से आर अपॉन में 4h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। अगर tan थीटा की देखो cot में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इनवर्स कर दो 4h / r कर दो। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4h / में r, तो इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स 4h / में r कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है, थर्ड। 32 जो है उसके अंदर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with an initial speed v at an angle theta with horizontal, the average velocity of particle between its point of projection and highest point of projection. देखो ये ground है, यहाँ से आपने v speed से project किया theta angle पे, तो इसका पर x x के लो v x is equal to v cos theta और y x के लो v sin theta, correct? तो v1 vector जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा i के प्लस v sin थीटा j के, करेक्ट। जब ये पीक पोजीशन पे होगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा रहेगा, तो vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos थीटा i के। ठीक है, तो v एवरेज क्या होता है, v एवरेज वेक्टर होगा v1 वेक्टर प्लस vp वेक्टर, भाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू 2v cos थीटा i के प्लस v sin थीटा j के, ये यहां पे देखो j के। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें, अच्छा by 2 करेंगे हम लोग, तो यहां से 1 by v एवरेज का मैग्नीट्यूड अपन देख लेते हैं। देखो 1/2 आप बाहर रखेंगे और इसका रूट करो तो ये क्या हो जाएगा 2v square cos square, 2 का square कितना हो जाएगा 4v square cos square theta plus v square sin square theta, v square common लेंगे बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा v by 2, और ये 4 cos square theta है ना, इसको हम क्या रखेंगे dear, देखो 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta, ठीक है, sin square plus cos square इसको क्या बना दो आप, 1 बना दोगे तो 3 cos square theta plus 1 हो जाएगा, तो 3 cos square theta plus 1 into v by 2 अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 33 में कितना आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34, पार्टिकल आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u एंड 2u फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई टावर,
लाइन आफ्टर विच देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट्स मीन वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, तो यहां पे देखो ये है कोई टावर है, इस टावर से एक तो इधर की तरफ यू से आपने थ्रो किया और दूसरे को हमने इधर की तरफ 2u से थ्रो किया. ठीक है, तो t टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस यू आई के और माइनस जी टी जे के. ठीक है, आप इधर की तरफ x x ले रहे हैं, इधर की तरफ क्या ले रहे हैं y x. ठीक है, इसी तरीके से इसका जो वेलोसिटी रहेगा v2 इज इक्वल टू 2u आई के और माइनस जी टी क्या हो जाएगा जे के. ठीक है, अगर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर है इसका मतलब वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर रहेगी. इफ v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर देन डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेलोसिटी विल बी जीरो. तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2u into minus vu, तो ये minus 2u square और ये minus gt और ये minus gt प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो. तो यहां से g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर. तो यहां t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2u स्क्वायर बाय g स्क्वायर. तो यहां से g / u सॉरी उल्टा हो गया, ये हो जाएगा u / g इनटू रूट 2. ये क्या हो जाएगा u / g इनटू रूट 2. फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 34 में कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे अपन चलते हैं. देखो 35 जो है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ए हेवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. द स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल वेरी एज. देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसका स्लोप जो है वो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा. तो डीवाई बाई डी एक्स को हम क्या रख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स. देखो डी टी से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करेंगे तो डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा वी वाई और ये क्या हो जाएगा वी एक्स. करेक्ट, तो वी वाई को क्या रखते हैं हम यू वाई माइनस जी टी और अपॉन में ये क्या हो जाएगा यू एक्स. ये क्या हो जाएगा स्लोप हो गया कि नहीं हो गया. ठीक है, तो देखो यहां पे स्लोप और टी की दोनों की पावर क्या है, वन है. दोनों की पावर वन है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. देखो इसमें ये यू वाई बाई यू एक्स देखेंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा हमारे पास सी. तो इंटरसेप्शन ऑन वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा और स्लोप क्या रहेगा देखो नेगेटिव रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा तो इसका ग्राफ कौन सा आ जाएगा y is equal to mx plus c से अपन देखेंगे तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 अपन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 36, ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट. If the speed of water coming out the fountain is v, the maximum area. देखो ये एक कोई फवारा है, ये समझ लो आप. ठीक है, ये वाटर की स्पीड किस क्या बता रहा है, v बता रहा है. ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम एरिया को कवर कब करेगा, जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके करेगा तो r max होना चाहिए. तो r max क्या होता है, v square upon में g नहीं होता है क्या. ठीक है, तो ये r मैक्सिमम डिस्टेंस पे इधर गया, फवारे से जो एरिया कवर होगा वो ऐसा कुछ होगा तो पाई आर स्क्वायर देखेंगे. तो एरिया मैक्सिमम जो होगा ए मैक्स वो कितना हो जाएगा पाई इनटू आर मैक्स का स्क्वायर. तो ये पाई आर मैक्स कितना होता है वी स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा पाई वी की पावर 4 बाई जी स्क्वायर. पाई वी की पावर 4 इनटू जी स्क्वायर कौन सा, थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो थर्ड आंसर कौन सा है 36 में थर्ड आंसर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे अपन चलते हैं. देखो ये क्या कह रहा है, टू गन ए एंड बी कैन फायर बुलेट एट ए स्पीड 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर सेकंड.
respectively from a point on horizontal ground. They are fired in all possible direction. The ratio of maximum area covered by the bullets fired by two gun on ground. देखो, ए मैक्सिमम कितना होता है? ए मैक्सिमम होता है पाई इनटू आर मैक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से ए मैक्स हम बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर मैक्स के स्क्वायर के. और आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डियर? आर मैक्स डिपेंड करता है यू के, तो आर स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा. तो ये यहां पे रखेंगे ए मैक्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू की पावर 4 हो जाएगा. यू की पावर 4 हो जाएगा, देखो ये यू 1 बाई यू 2 कितना है? 1 बाई 2 नहीं है क्या? तो 1 बाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? ए 1 बाई ए 2 का जो रेशियो रहेगा 1 बाई 16 रहेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा? सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. तो 37 का अपना आंसर आ रहा है सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं. देखो The stream of river is flowing with a speed of 2 km per hour. A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of swimmer with the respect to flow of river to cross the river straight? देखो ये river है, इसको shortest path पे cross करना है. इधर की तरफ river flow है U, वो U कितना दे रखा है? 2 km per. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर इसको क्रॉस करना है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, इसका मतलब तो इसको कुछ एक एंगल यहां से अल्फा एंगल पे वी स्पीड से स्विमिंग करना होगा. तो इसका इधर की तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कॉस से अल्फा रहेगा और इधर की तरफ वी साइन अल्फा. देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर तब आएगी ना जब ये जो वेलोसिटी है वो इसको कैंसिल कर देगा. इट्स मीन वी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U, ये कितना है? 4 sin alpha इज इक्वल टू U हो गया. sin alpha की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, तो 2 ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 by 2 बन जाएगा. 1 by 2 means alpha इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 degree. तो देखो ये 90 plus alpha कितना हो जाएगा? 90 plus 30 कितना हो जाएगा? 120 degree. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रिवर फ्लो की डायरेक्शन के साथ अगर अपने को देखना है तो 120 डिग्री रहेगा. 38 का आंसर जा रहा है अपना फोर्थ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे अपन चलते हैं. देखो टू ट्रेन ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 10 एंड 15. देखो एक ट्रेन इधर, दूसरा ट्रेन इधर चल रहा है. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू आर जो रहेगी वो क्या ऐड हो जाएगी? 10 प्लस 15 25 हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? देखो इसकी डिस्टेंस लेंथ कितनी है? 50. और ये ट्रेन यहां पे है सपोज दैट. ठीक है, और ये क्रॉस जब करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? ये यहां पे आ जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रेन कहां चली जाएगी? यहां पे ऐसे. ठीक है, क्रॉसिंग हो गया या नहीं हो गया दोनों का? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक के रेस्पेक्ट में? 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100. तो टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू 100 / 25 कितना हो जाएगा? 4 सेकंड. तो 4 सेकंड कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है? सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा है. 39 में कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ. देखो ये क्या है? ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट. ए 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड. ये ट्रेन है तो वो इधर की तरफ 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. ठीक है, ए बर्ड, ये कोई बर्ड है, ये फ्लाई कर रहा है टुवर्ड्स साउथ.
इसके जस्ट ऊपर किस स्पीड से 5 से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगी ठीक है तो इसको क्रॉस करने के लिए इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 210 तो टाइम कितना लगेगा 210 बाई 30 कितना हो जाएगा 7 सेकंड नहीं हो जाएगा क्या 7 सेकंड कौन सा आंसर आ रहा है सेकंड तो 40 में अपना आंसर कौन सा करेक्ट जा रहा है सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ए पुलिस जीप इज चेजिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इट इज इन अनदर जीप मूविंग ये पुलिस की जीप है ये किस स्पीड से चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से ठीक है और इसके आगे ये थेप ये टी है ये किस स्पीड से चल रहा है 153 किलोमीटर पर आवर ठीक है यहां से इसने बुलेट को फायर किया किस स्पीड से 180 मीटर पर सेकंड 180 मीटर पर सेकंड ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 180 प्लस 45 इनटू 5 by 18 मीटर पर सेकंड आ गया और वेलोसिटी ऑफ थेप कितना है vt इज इक्वल टू 153 into 5 by 18 ठीक है मीटर पर सेकंड किसे वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थेप हम कैलकुलेट कर लेंगे तो vvt हम देखेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा माइनस तो 180 प्लस 45 into 5 by 18 इसमें से आप माइनस करेंगे किसको 153 इनटू 5 बाय 18 इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 150 मीटर पर सेकंड तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो 41 में फर्स्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे अपन चलते हैं देखो ए बोट इज सेंट परपेंडिकुलर टू रिवर With velocity 80 km per second. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour. देखो ये क्या है river. यहाँ पर देखा जाए तो ये U river flow है, ठीक है? और velocity of boat V जो है वो कितना है? 8 है, ठीक है? इन दोनों का resultant कुछ ऐसा आएगा? वो resultant V net जो होगा वो root of V square plus u स्क्वायर होगा ठीक है तो v नेट कितना दे रखा है इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर तो ये 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर दो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू u स्क्वायर u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा 43 का आंसर थर्ड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को अपन देखते हैं देखो Question number 43. A train of 150 meter length is going towards north. ये देखो, ये train है, ये इधर की तरफ, north की तरफ किस speed से जा रही है? 10 से जा रही है. ठीक है? और इसकी length कितनी है? 150 meter. ठीक है? A parrot fly at speed of 5 meter per second. ये parrot है, ये इधर की तरफ 5 से चल रहा है. तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना 150 हो जाएगा उस कंडीशन में इसको क्रॉस कर देगा तो यू आर कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 150 तो इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा टी इज इक्वल टू 150 बाई यू आर कितना है 15 कितना हो जाएगा 10 सेकंड नहीं हो जाएगा क्या तो 10 सेकंड के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4 तो 43 के अंदर कौन सा आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखते हैं कि बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3
आई के प्लस फोर जे के एफ, देखो अबाउट इज मूविंग विद वी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या है, थ्री आई के एफ प्लस फोर जे के एफ इन रिवर, एंड वॉटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वॉटर इज इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री आई के एफ माइनस फोर जे के एफ, ठीक है, with respect to ground, relative velocity of boat with respect to water, vb with respect to water kya ho jayega, vb minus v water vector kitna ho jayega, 3 ik plus 4 jk minus minus 3 ik minus 4 jk, bhai minus minus plus ho jayenge to kitna ho jayega, 6 ik plus 8 jk, to iske according kaun sa answer, second answer correct ho jayega, theek hai dear. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है, सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे अपन. द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, देखो ये दो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है d, ये डिक्रीज कब होगी, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अप्रोच करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v a plus v b, ये किसके इक्वल आ रही है, डिक्रीज एट रेट 6 मीटर पर सेकंड, मतलब 6, और इफ दिस पार्टिकल ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन देन सेपरेशन इज इंक्रीज्ड, सेम डायरेक्शन में रहेगी, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और वो कितना दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड केस में यही है, तो आप क्या करोगे, एक नंबर और दो नंबर को एड कर दो, क्या हो जाएगा, 2 वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 5 और 1 फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 अपन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, ए बोट मूव विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर इन ए रिवर फ्लोइंग विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड हैविंग विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर, द मिनिमम टाइम टेकन अराउंड ए राउंड ट्रिप, ठीक है, राउंड ट्रिप में कितना टाइम, देखो ये राउंड ट्रिप मतलब इसको यहां से यहां जाके वापस यहीं पे आना है, करेक्ट, तो ऐसा जाने के लिए इसको कुछ इधर की तरफ वी स्पीड से चलना होगा, ये इधर की तरफ क्या है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी नेट जो रहेगी डियर वो क्या हो जाएगी, वी नेट जो रहेगी रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 16 का रूट कितना हो जाएगा, ठीक है, तो राउंड ट्रिप के लिए टाइम जो रहेगा टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी बाई वी नेट, है ना, तो टी वन साइडेड टाइम कितना रहेगा 1/4, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2t, टी जाने में टी आने में, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 30 मिनट आंसर होता है. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू 5 मीटर पर मिनट, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट, इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देखो ये क्या है रिवर, सपोज दैट इस बैंक पे एक इंसान है, रिवर फ्लो इधर की तरफ है यू, और यू कितना है 5 है, और ये इधर की तरफ ईस्ट हो गया, ठीक है, अब देखो इसको शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना है इसका मतलब इसको इधर की तरफ से स्विमिंग करना होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ के साथ मान लो अल्फा एंगल पे ये स्विमिंग कर रहा है, तो इधर की तरफ v cos अल्फा, तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी
शॉर्टेस्ट पाथ के लोग, और ये इधर की तरफ कंपोनेंट वी साइन अल्फा, ये वी साइन अल्फा यू के इक्वल होना चाहिए और ये इसको कैंसिल कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लोग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा 2, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो 1/2 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 है इसका मतलब ये 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे 120 डिग्री पे, तो अपना आंसर कौन सा 120 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के साथ 120 डिग्री, अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 का कौन सा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में चलता है अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 48, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ए कार इज अलोंग नॉर्थ बोथ विद द सेम स्पीड, द ऑब्जर्वर डायरेक्शन, ऑब्जर्वर द ऑब्जर्वड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन ट्रेन। देखो ये हम क्या करते हैं, ये लो ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है वेस्ट, ठीक है, इधर हम क्या ले लेते हैं एक्स एक्स ले लेते हैं, इधर की तरफ हम क्या ले लेते हैं ट्रेन की वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू कितना है वेक्टर वी टी इंटू इसकी डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ईस्ट इधर की तरफ मतलब आई टी करेक्ट, और कार इज अलोंग नॉर्थ वी सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्थ वी सी इंटू जेके करेक्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन ट्रेन, ट्रेन में जो पैसेंजर है वो ऑब्जर्वर है, वो क्या डायरेक्शन ऑब्जर्व करेगा ट्रेन के रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी वी सी टी, वैक्टर क्या हो जाएगा VC वेक्टर माइनस VT वेक्टर। तो देखो VC, VC किधर है इधर की तरफ, और माइनस VT वेक्टर किधर हो जाएगा इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा इधर की तरफ, तो VCT वेक्टर किया आएगा, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये क्या हो गया वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन अपना आंसर हो जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा हो गया सेकंड डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ 48/2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं अपन। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, इट हिट इट्स ड्राइवर, फाइंड अनदर ट्रेन इज मूविंग ऑन सेम ट्रैक इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2। देखो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन v1 वेलोसिटी से चल रहा है और इसके आगे यहां पे ये v2 वेलोसिटी से एक दूसरा ट्रेन चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है सपोज दैट। अब देखो v1 ज्यादा स्पीड से चलेगा, कोलिजन होगा, तो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की वजह से कोलिजन हो सकता है, कोलिजन कब नहीं होगा, कोलिजन तब नहीं होगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, डायरेक्शन तो सेम है ही, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कोलिजन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों की ये है, तो यू आर क्या हो जाएगा v1 - v2, ये तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, जैसे ही इसने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया कितना a, ये इसमें कोई रिटार्डेशन नहीं है तो रिटार्डेशन रिलेटिव क्या हो जाएगा ar a के इक्वली रहेगा, ठीक है, और सपोज दैट टी टाइम बाद में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, कोई कोलिजन नहीं होगा, तो वी आर इज इक्वल टू यू आर माइनस ए इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये यू आर वी वन माइनस वी टू और ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए इंटू टी, तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन माइनस वी टू बाई ए हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डियर, तो क्वेश्चन नंबर 49 में फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन ऑन हॉरिजॉन्टल
terrain is 16 kilometer. If g is 10, then what must be the muzzle velocity of a cell is velocity चाहिए. तो r max क्या होता है dear? r max होता है u square by g. तो r max की वैल्यू कितनी है? 16 किलोमीटर, मतलब 16,000. और ये g इधर आ जाएगा तो 10 is equal to u square. तो u की वैल्यू कितनी रहेगी? 16 का रूट करेंगे 4 और ये 400 आ जाएगा. 400 मीटर पर सेकंड इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो 50 में अपना आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट 51 देखते हैं. देखो 51 an aeroplane is flying at a constant velocity 600 km per hour at an elevation of 6 km towards a point directly above the target on the earth's surface. देखो ये एक aeroplane है, ये यहाँ पे fly कर रहा है, किससे? constant velocity 600 km per hour. ठीक है, कितनी height पे? ये कुछ एक height है, मान लो आपको 6 किलोमीटर दे रखा है ये टारगेट, ये यहां पे. एट एन एप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीज ए बॉल सो दैट इट स्ट्राइक टू टारगेट. यहां पे इसने एक जो बॉल है इसको रिलीज किया है, तो इसको 600 मीटर पर सेकंड मिलेगा, किलोमीटर पर आवर मिलेगा, और इसकी वजह से ये कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, द बॉल विल अपीयर टू फॉलिंग. तो देखो इसके रेस्पेक्ट में, पायलट के रेस्पेक्ट में इसको केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन मिला है जी. इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू 600 है, तो इसकी भी 600 है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इसका मतलब ये कैसे गिरेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो और जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड के लिए देखो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिली है और जी एक्सेलरेशन भी है. तो ग्राउंड वाले जो ऑब्जर्वर है उसके लिए इसका पाथ कैसा रहेगा? प्रोजेक्टर पैराबोला रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग ऑन द पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय पायलट, नहीं गलत. वर्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, नहीं ये भी गलत हो जाएगा. पायलट के रेस्पेक्ट में तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स रहेगा. ऑन ए पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे जो इंसान है उसके लिए कैसा रहेगा? पैराबोलिक रहेगा. तो अपना आंसर थर्ड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 52, ए बॉम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन द बॉम. देखो ये क्या कर रहा है, एरोप्लेन है कि ये किस कांस्टेंट वेलोसिटी यू से चल रहा है, इससे किसी बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो उसको भी यू वेलोसिटी मिलेगा और ये कुछ ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा. तो देखो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू जी हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो यू की वजह से होगा, लेकिन यू कांस्टेंट नहीं रहेगा. एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें इधर की तरफ एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये यहां पे आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ज्यादा रहेगा, तो प्लेन से थोड़ा सा ये पीछे की तरफ जाके स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, नहीं, फॉल्स टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड का आंसर, 52 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अपन. 53 बोल रहा है, ए मैन प्रोजेक्ट ए कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ ए यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ कॉइन फॉर द मैन. देखो ट्रेन में बैठा है इंसान और वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में उसको केवल वर्टिकल वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड्स. इसका मतलब उसका पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा. ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इसका आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं अपन. देखो
54 क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर एट एन हाइट ऑफ 1960 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली एट ए पॉइंट ए ऑन ग्राउंड, ए बॉम इज रिलीज फ्रॉम इट, द बॉम स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए पॉइंट बी द डिस्टेंस। देखो ये कोई एक पॉइंट है ए ग्राउंड पे, इससे कितनी हाइट पे 1960 मीटर हाइट पे एक ये एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन है, ये कितनी स्पीड से, u इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 600 इंटू किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 518 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 100 कितना हो गया 500 बाय 3 हो गया, करेक्ट। ये यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा तो इसके लिए r जो रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r जो रहेगा वो क्या होता है u इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी, u कितना है 500 बाई 3 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 1960 बाई 98 इंटू 10 कर दो आप, ठीक है। ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा 200 इंटू 2 400 का रूट कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 20 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो बाई 3, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर बाई 3 कितना हो जाएगा 3.33 किलोमीटर। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ए बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टेबल एट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकंड, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये कोई टेबल है, ठीक है, इसकी हाइट कैपिटल एच है सपोज दैट, इस पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना है 4, ये कुछ ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो ग्राउंड को एच यहाँ पे कितने टाइम बाद में स्ट्राइक कर रहा है, t इज इक्वल टू 0.4 सेकंड बाद में, तो t इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ 2h बाय g, करेक्ट। तो 0.4 इनटू 0.4 आप दोनों t की वैल्यू रखेंगे और दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो 0.4 इनटू 0.4 इज इक्वल टू 2h बाय g, तो यहां से ये इधर आएगा तो पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, 10 रखेंगे 10 इधर आके पॉइंट कैंसिल, 4 इनटू तो ये कितना हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 h इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8 मीटर, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग, देखो ये थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक है, an aeroplane flying 490 meter above the ground level 100 meter per second release a block how far the ground on the ground will it strike। देखो ये यहां पे एक कोई एरोप्लेन है, ये किस स्पीड से 100 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है, कितनी हाइट पे, h इज इक्वल टू कितना है 490 मीटर है, करेक्ट। तो ये यहां से कोई ब्लॉक रिलीज करेगा, तो ये यहां पे r डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा, तो r की वैल्यू क्या होगी u into root of 2h by g हो जाएगा, u कितना 100 into 2 into 490 by 98 into ऊपर 100 10 कर दो, 98 था by 10 कर 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 49 से 2 टाइम्स ये 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 मींस 1 किलोमीटर, आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, 56 में सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 5 फ्रॉम द सेम हाइट, द करेक्ट स्टेटमेंट, पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम एट हाइट्स,
एट हाइट से हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, दूसरे को हम थ्रो करेंगे सेम हाइट से, इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे जाके स्टन करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट्स मीन बोथ पार्टिकल विल रीच इट ग्राउंड साइमल्टेनियसली. अपना आंसर कौन सा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो तो इसके अकॉर्डिंग 57 में अपना आंसर कौन सा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 58, ए बॉम्बर प्लेन मूव हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड. देखो यहाँ पे एक कोई ये बॉम्बर प्लेन, यहां से कोई बॉम्ब आप रिलीज करेंगे तो ये कितने टाइम बाद में? 10 सेकेंड बाद में यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल मान लो कितना है? थीटा है. तो इधर की तरफ क्या रहेगा? u ही रहेगा और इधर की तरफ क्या रहेगा? v y. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v y by v y कितना हो जाएगा? v y हो जाएगा gt अपॉन में u. g कितना है? 10 इंटू t की वैल्यू कितनी है? 10 और ये कितना हो जाएगा? 500 1 by 5. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 by 5. इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 अपन देखते हैं. 59 क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा एज इन रेंज r इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इज डबल एट सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन रेंज इज. r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u स्क्वायर के. थीटा जो है कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इसका मतलब डबल करेंगे तो r क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी. आंसर कौन सा हो जाएगा 59 में? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अपन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 60, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम. थीटा क्या है? कांस्टेंट है. मैक्सिमम हाइट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा? यू स्क्वायर. तो डबल करेंगे तो बी क्वाड्र, फोर टाइम्स हो जाएगा. तो कौन सा आंसर? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 60 में थर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61, इन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व. ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है. टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस पे. केवल मोमेंटम इज कंजर्व्ड नहीं, मोमेंटम चेंज हो रहा है. एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड नहीं. नन ऑफ दिस. आंसर कौन सा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. तो 61 में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 62 पे चलते हैं. देखो 62 पे क्या कह रहा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल. इसके लिए क्या अपना आंसर रहेगा? इधर आ जाओ. r इज इक्वल टू क्या होता है डियर? 4h cot थीटा होता है. ये होता है r और h इक्वल है, इसका मतलब 1 by 4 इज इक्वल टू cot थीटा होता है. tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4 आएगा. tan इनवर्स 4, इसका मतलब थर्ड आंसर. 62 में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थर्ड आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का क्या रहेगा? देखो अपन देखते हैं. ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी? नो. स्पीड ऑफ बॉल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? करेक्ट. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा. इट्स मीन थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 64 एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्यों तो पीक पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और एक्सेलरेशन हमेशा इसका जी होता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहेगा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे इट्स मीन फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइन इट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू देखो 45 पे थ्रो किया है आर क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी इस कंडीशन में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड जो होती है उसके 4 टाइम्स होता है ठीक है तो वर्टिकल हाइट के इक्वल रहेगा नाउ ट्वाइस ऑफ वर्टिकल हाइट नाउ 4 टाइम्स मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा ठीक है तो 65 में कौन सा आंसर जाएगा अपना फोर्थ आंसर करेक्ट जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं अपन द हाइट वाई एंड द डिस्टेंस एक्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन ए सर्टेन प्लैनेट विद नो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आर गिवन बाय वाई इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर टी इज 0 द वेलोसिटी विद व्हिच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनिशियल वेलोसिटी अपने को डियर बतानी है तो देखो 66 अपना क्या रहेगा एक्स इज इक्वल टू क्या है 60 तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 6 तो ये u sin थीटा क्या हो गया सॉरी u cos थीटा रहेगा ना u cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सिमिलरली अगर अपन बात करें y इज इक्वल टू क्या है 80 माइनस 5 t स्क्वायर तो यहां से dy / dt रहेगा वो क्या रहेगा 8 माइनस 10 t करेक्ट तो यहां से ये क्या रहेगा uy तो u y is equal to क्या होता है u sin theta की वैल्यू कितनी होगी 8 ये इक्वेशन दे दो आप दो नंबर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 100 मींस u इज इक्वल टू आ जाएगा 10 10 कौन सा आंसर अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो 66 में अपना कौन सा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 अपन देखते हैं देखो द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल थीटा 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 आर की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है तो आर की वैल्यू कितनी है 1.5 into 1000 is equal to u square into sin 2 into 15 30 degree upon में क्या हो जाएगा जी ठीक है तो यहां से अगर अपन देखें r max की वैल्यू कितनी होती है u square by g होती है तो यहां से हम ये 30 इधर लेंगे तो ये 1500 into 1/2 है 2 इधर आ जाएगा ये u square by g आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3000 is equal to u square by g तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3000 मतलब 3 किलोमीटर तो अपना आंसर कौन सा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग 67 का कौन सा आंसर जा रहा है 67 का सेकंड जा रहा है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है एक क्रिकेटर hit a ball with a velocity 25 meter per second at a 60 degree above the horizontal how far above the ground it will pass over a fielder 50 meter from the bat ball was struck very close to ground theek hai u ki value kitni hai 25 meter theek hai aur per second aur थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर / 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो आपको क्या बोल रहा है एक फील्डर है जो 50 मीटर पे है तो उस पे बॉल कितनी हाइट पे है तो x इज इक्वल टू
50 पे अपने को क्या y कैलकुलेट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x 50 इंटू रूट 3 माइनस g की वैल्यू ऊपर क्या रखेंगे 10 इंटू 50 इंटू 50 y क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू cos 60 cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी कितना हो जाएगा तो ये 50 इंटू 1.73 माइनस ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 80 हो जाएगा तो 80 माइनस करेंगे अगर 50 इंटू तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 1.73 86.5 86 में से अपन अगर 80 को माइनस करेंगे तो अपने को आंसर जो अप्रोक्सीमेट मिलेगा वो 8.2 के आसपास अपना आंसर आएगा 8.2 जो आएगा 8.2 अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा तो 68 में कौन सा आंसर आ रहा है फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखो इसको 9.8 रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो दोनों एंगल थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है मतलब दोनों कंपोजिट होंगे और इनके लिए r की वैल्यू क्या रहती है सेम रहेगी मतलब 1/1 तो देखो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा कितना आएगा 90 मतलब 1/1 थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे चलता है पर देखो क्वेश्चन नंबर 70 द ग्रेटेस्ट हाइट टू व्हिच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h मैक्सिमम हाइट तक h हाइट तक थ्रो कर सकता है ठीक है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू व्हिच ही कैन थ्रो इट कितना होगा 2h के इक्वल हो जाएगा अपना आंसर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा तो 70 में अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट 71 क्या है 71 द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल देखो r की वैल्यू क्या है 4h के इक्वल है तो r इज इक्वल टू क्या होता है 4h से cos थीटा होता है तो r की वैल्यू 4h रखेंगे 4h से 4h कैंसिल हो जाएगा cot theta is equal to क्या आ गया 1 theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 तो इट्स में अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 71 में थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी e एट एन एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी देखो e पीक पोजीशन पे क्या होता है e इनटू cos स्क्वायर थीटा होता है इनटू cos स्क्वायर थीटा तो e इनटू cos 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मतलब e / 2 इट्स मीन अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकंड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 अपन देखते हैं देखो पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा 45 विद द हॉरिजॉन्टल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है देखो एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू क्या होता है mv into r परपेंडिकुलर एक नहीं है तो देखो ये प्रोजेक्टाइल था क्या ये ग्रेटेस्ट हाइट हो गई ग्रेटेस्ट हाइट पे इसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ क्या रहेगी v u cos थीटा देखो और इसकी वेलोसिटी की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h तो ये क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू m इनटू u cos थीटा मतलब u / √2 cos 45 है ना u / √2 इनटू r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 अपॉन में 2g। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम यू की पावर 3 अपॉन में 4√2 इंटू जी, नहीं हो जाएगा क्या 2 × 2 = 4√2g। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड आंसर जा रहा है अपना 73 का, करेक्ट है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ ए गन व्हिच फायर ए सेल विद मजल स्पीड v इज r, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गन इज थीटा, अपने को बताना है। तो r इज इक्वल टू क्या होता है डियर, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g होता है। तो यहां से sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r into g by v स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स जी इंटू आर बाई वी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, देखो, इफ वी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट विल बी, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा / जी। ठीक है, टी की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 * 10 ये जी इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2u sin थीटा। ठीक है, 2u sin थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, r क्या होता है, r इज इक्वल टू 2u sin थीटा * u cos थीटा / क्या हो जाएगा जी, आया ना। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 * 10, ये जी इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 2u sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 * u cos थीटा हो जाएगा। देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 नहीं हो जाएगी क्या, यस, और u sin थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 50। तो u sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, और u cos थीटा इज इक्वल टू भी कितना है, 50। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 पे r मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये, 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 125 मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, h अटेन जो रहेगी वो कितनी होती है, r / 4 नहीं होती है क्या, मैक्सिमम का 1/4 होगा तो 125 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का अपना आंसर करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, देखो 76 एक लॉजिकल क्वेश्चन है, फोर बॉडीज p q r s आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटीज हैविंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15, 30, 45 and 60। देखो r 45 तो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, और r 30 इज इक्वल टू r 60 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंपोजिट एंगल है, सेम रहेगा। अब देखो r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 45 है और इक्वल टू 45 है, तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे r क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब 15 पे 30 पे जो वैल्यू है उससे छोटा रहेगा r 15 पे, और 30 पे 60 पे क्या इक्वल है, 45 पे मैक्सिमम है, इसका मतलब सबसे कम रेंज किस पे रहेगी, p पे रहेगी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड 76 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 अपन देखते हैं, देखो स्टोन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल रीच ए मैक्सिमम हाइट h1 व्हेन इट प्रोजेक्टेड विद
velocity u an angle theta pi by 2 minus theta with the horizontal, it reaches maximum height h2. The relation between horizontal range r and projectile and h1 h2 is, देखो r is equal to क्या रहेगा, r is equal to रहेगा u square into 2 sin theta into cos theta by g रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन h1 की बात करें ना, तो u square sin square theta by 2g हो जाएगा, और h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u square sin square 90 minus theta by 2g। तो देखो यहां से h2 is equal to क्या हो जाएगा, u square cos square theta upon में क्या हो जाएगा, 2g। अब देखो h1 और h2 करो, h1 into h2, h1 into h2 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, u की पावर 4, ठीक है, तो into sin square theta cos square theta upon में क्या हो जाएगा, 4 g square, ठीक है कि नहीं है। देखो आप क्या करोगे, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 2u square sin theta into cos theta by g, ये जो है वो क्या बन रहा है, r square नहीं बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, r square। तो h1 into h2 is equal to कितना हो जाएगा, 1 by 16 into r square, तो r ये इधर आ जाएगा 16, तो 4 root h1 h2 is equal to क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, r is equal to 4 h root h1 h2, first answer correct हो जाएगा, ठीक है। तो 77 का अपना answer correct जा रहा है first। Next is question number 78, a ball thrown by a one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by ball above the point projection will be about. चलो तो देखो इसमें फ्लाइट टाइम दे रखा है, 78 का क्या दे रखा है, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, 2u sin थीटा y g, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 2 इज इक्वल टू 2 into u sin थीटा y क्या हो जाएगा, g। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, u sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 2g। तो ये क्या हो जाएगा, g स्क्वायर / 2g, एक g से g कैंसिल हो जाएगा, g / 2 हो जाएगा, मतलब 5 मीटर हो जाएगा, क्या 5 मीटर मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 78 का अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में 78 का थर्ड हो गया, 79 पे चलते हैं। देखो 79 in a projectile motion velocity of maximum height, maximum height पे velocity कितनी होती है, u cos theta होती है, second answer correct हो जाएगा, तो 79 का second हो जाएगा। फिर 80 पे चलते हैं, if two body are projected at angle 30 and 60 respectively with same velocity, then their range will be same because both angle are composite, 30 plus 60 कितना हो गया, 90 हो गया ना, composite angle है, it's mean r will be same, तो 80 में क्या हो जाएगा, first answer correct हो जाएगा। Next is question number 81, a body is thrown with velocity 9.8 back in an angle 30 degree with horizontal, it will hit the ground after a time. देखो 81 में बड़ा सिंपल सा question, flight time आपको पूछा है, में आपको क्या पूछा है, flight time। तो t is equal to क्या रहेगा, t is equal to 2u sin theta by g होता है, ठीक है। तो t 2 into u की वैल्यू 9.8 into sin 30 1 by 2 upon में g 9.8 से 2 कैंसिल, t equal to कितना हो जाएगा, 1 second। तो अपना t का क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 second। अपना आंसर कौन सा, 81 में second आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 अपन देखेंगे, देखो
22 क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज ए सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ टी वन एंड टी टू आर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस. देखो आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी रहेगा. ठीक है, एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया है थीटा वन, और दूसरा जो थीटा टू रहेगा वो 90 माइनस थीटा पे रहेगा. क्लियर? तो टी वन का फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी रहेगा, और टी टू क्या हो जाएगा, टू यू साइन 90 माइनस थीटा बाई क्या हो जाएगा टी वन इंटू टी टू, क्या हो जाएगा टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर यू स्क्वायर साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा कोस थीटा अपॉन में जी स्क्वायर. ठीक है, तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगा टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू टू इंटू आर बाई क्या हो जाएगा जी. तो टी वन इंटू टी टू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर के, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड. तो 82 का आंसर अपना सेकेंड करेक्ट जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance up to r max कितना है dear 100 meter है. With the same effort, throw the ball vertically upward. The maximum height attained by ball is 50 meter. The same effort, the throw the ball vertically upward. Vertically upward throw करेगा maximum height कितनी करेगा r by 2. तो r by 2 के according कितना हो जाएगा 50 का 100 का 50 इसके अकॉर्डिंग 83 में कौन सा आंसर हो जाएगा 83 में फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 400 मीटर द स्पीड विच ही थ्रू द बॉल इज नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देखना है. तो आर मैक्स क्या होता है u square by g, तो ये r maximum कितना 100 into 10 is equal to क्या हो जाएगा u square, तो u is equal to क्या हो जाएगा 10 root 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 into 3.2, तो ये approximate answer जो आएगा वो 32 answer कितना हो जाएगा, third answer correct हो जाएगा. 84 में कौन सा answer third correct हो जाएगा. हाँ तो बच्चों next question number 85 अपन देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, ए स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीच एट मैक्सिमम हाइट एच, एच हाइट तक जा रहा है. तो देखो एच हाइट तक ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एच बाई जी, और इतना ही वापस आने में लगेगा. अगर आप इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम है उसका फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं. इसका मतलब फ्लाइट टाइम टोटल कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2h बाय g. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा 85 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 अपन देखते हैं. देखो The horizontal range of projectile is 4 root 3 times its maximum height. R जो है वो कितना है 4 root 3 into h, ये given है. Its angle of projection is, तो देखो R is equal to क्या होता है 4 h cot theta होता है. ठीक है, तो R की value क्या रखेंगे 4 root 3 is equal to 4 h cot theta. तो यहाँ से 4 h क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cot theta is equal to कितना हो गया root 3 हो गया. तो root 3 की value theta equal to कितना हो जाएगा 30 degree, तो angle of projection कितना हो जाएगा fourth answer 30 degree आ जाएगा. तो 86 में कौन सा answer correct हो जाएगा fourth answer correct हो जाएगा. ठीक है, next question number 87 पे अपन चलते हैं. देखो
87. Two bodies are thrown off at an angle 45. Theta 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45. और इसके लिए वेलोसिटी कितनी है? सपोज दैट u1. और थीटा 2 60 डिग्री, और इसके लिए वेलोसिटी क्या है? u2. विद द हॉरिजॉन्टल, इफ बोथ बॉडीज अटेन सेम वर्टिकल हाइट, फॉर बोथ बॉडी h1 इज इक्वल टू क्या है? h2 है. देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विद व्हिच दीज आर थ्रोन इज, देखो u1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g. देखो 2g से 2g क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा 2 बाय sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. तो sin थीटा 2, थीटा 2 कितना है? 60. तो sin 60 का स्क्वायर बाय sin 45 का स्क्वायर. sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे बाय 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये? रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये 4, 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2. तो यहां से देखो u1 बाय u2 का जो रेशियो आएगा वो रूट ऑफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा अपने को, तो ये 3 बाई 2 आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग रूट 3 बाई 2 थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है. तो 87 का अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है. अ पार्टिकल इज मूविंग eastward with velocity 5 meter per second. In 10 second, the velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time is, देखो v1 vector कितना दे रखा है? पहले हम direction ले लेते हैं, इधर north है, इधर south, east, west. इधर x x ले लो, इधर y x ले लो. तो v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? 5, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट. ईस्ट में मतलब i कैप. ठीक है, और v2 वेक्टर कितना हो जाएगा? 5, और नॉर्थवर्ड j कैप. चेंज होके कितनी हो गई वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड फाइनल v2 वेलोसिटी हो गई. इसमें टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू 10 सेकंड लगा. क्लियर? तो देखो A कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 वेक्टर बाई डेल टी. v2 कितना है? 5 j कैप माइनस 5 i कैप अपॉन में 10 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 j कैप माइनस 1 बाई 2 i कैप. क्लियर? ये एवरेज आ गया हमारे पास. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इसका रूट ऑफ 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर. 1 बाय 4, 1 बाय 4 कितना हो जाएगा? 1 बाय 2, 1 बाय 2 का रूट 1 बाय रूट 2. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो ये क्या है? माइनस 1 बाय 2 इधर की तरफ आई कैप, और ये 1 बाय 2 प्लस का जे कैप. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा. ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ, और ये क्या हो गया? वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग अपना आंसर कितना है? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. तो 88 का क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट ये थर्ड नहीं है, ये तो नॉर्थ ईस्ट दे रखा है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. इसका मतलब अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिम दिशा में. ठीक है, ये बाई मिस्टेक ये थर्ड आंसर नहीं होगा, आंसर सेकेंड ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं. द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग इज शोन इन द फिगर बाय डॉटेड लाइन. इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, देन व्हिच ऑफ द पाथ शोन इन फिगर इज एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोजेक्टाइल. देखो एयर के फ्रिक्शन को अगर अपन कंसिडर नहीं करते तो अंडर ग्रेविटी जो है वो ये पाथ आपको बता रखे डॉटेड लाइंस.
रोटेट लाइन से, ये वाला पाथ, ठीक है। तो देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वेलोसिटी, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स जी भी था, इस जी के अंडर ये मोशन हुई। जब एयर फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा और वर्टिकल में भी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितनी हाइट तक जाना था उससे कम हाइट तक जाएगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो आर था वो भी कम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये एच भी कम आर भी कम, दोनों किस ऑप्शन में हो रहे हैं, बी के लिए, तो बी का कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, देखो 19th क्वेश्चन देखते हैं अपन, 19th क्वेश्चन। Which of the following is the graph between the height h of a projectile and time t? देखो height, vertical जो height है उसको हम y से represent कर रहे हैं, तो vertical height y is equal to equation of motion हमने put किया था, तो u y into t minus 1 by 2 g t square, यही equation आया था। यहाँ से देखो time और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, h को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h और t के बीच में हम ग्राफ देखेंगे, तो देखो इसकी पावर क्या है, 2 है, और इसकी पावर क्या है, 1 है, डेफिनेटली पैराबोलिक शेप ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अपन जो ग्राफ देखेंगे वो कौन सा आंसर रहेगा, थर्ड आंसर, ठीक है। चलो तो बच्चों ये पेपर सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।